नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग्स में। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मठखन्ना से आने के बाद जो है इसके बाद होगा कथा मंत्री का पूजा। तो यहाँ पर नाउन ठकुराइन सारी बात जो है दीदी से पूछ रही हैं। बाकी जो मैडम दीदी के भतीजे भाई भाभी सभी फैमिली लोग आए हैं, तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है। वैसे मैं वॉइस म्यूट कर सकती थी, लेकिन कुछ बातें जो है देखिए कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ, इसके लिए मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया। मैं अपनी वॉइस डाल रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग, मस्ती मजाक यहाँ पर चल रहा है। इस वीडियो में आप लोग को हल्दी रसम और मंत्री पूजन सब कुछ देखने को मिलेगा। कृपया आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें भी सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर सारी जो है तैयारी हो चुकी है, मतलब अब ये लोग कथा मंत्री का पूजा हो गया है। वहाँ पर मैं नहीं बैठी थी, घर में थी। तो ये जो घर में आते हैं कोहबर बनाने के लिए, जो कोहबर की रस्म होती है और कोहबर में क्या गीत गाया जाता है, वो सारा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ बाहर गेट के सामने जो बनाए रहते हैं दो भगवान जी, क्या कुछ बनता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे ही बने रहते हैं। तो उनको जो है पूजा कराते समय पंडित जी सिंदूर लगवाते हैं और ये घी लगवाते हैं, जो कुछ भी है। तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा गीत होता है। इसके आगे जो है यहाँ पर जो दादी लोग सास लोग आई हुई हैं तो वही वो गीत गाएंगे। मैंने भी अपने चैनल मंजू यूपी ब्लॉग में गाया हुआ है, बहुत ही प्यारा गीत रहता है। और शादी विवाह के हर गीत आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको कहीं दूसरी जगह जाना होगा। तो मेरे चैनल मंजू यूपी ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट चैनल है। वहाँ पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। अब बाहर से ये लोग कोहबर में आ गए हैं। तो जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे हैं और सारी बातें मतलब बताते जा रहे हैं कि ऐसा आप लोग करिए, ठीक उसी प्रकार से हमारी दीदी और जीजा जी करते जा रहे हैं। बाकी सारे लोग की भीड़ है यहाँ पर, सास लोग बैठी हैं, बाप लोग मतलब कोहबर में क्या गीत गाया जाता है पूजा करते समय, वो सुनिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा इन्जॉय करें। बस बैठा
आप अपने पितरन के आप अपने देवतन के खड़ा उड़ते भरे हुए दोनों दिन मनाई है अपन बढ़िया से अपने पितरन के अपने देवतन दीदी दोहराया जाए मोहरी बाटू तो यहाँ पर गीत भी सुनाया है मैंने आप लोगों को। हल्दी चुमावन की जो रस्म होती है मंडप में वो सब हो चुकी है, तो सारी बहनें जो बची हुई हल्दी रहती है उसको बन्नी या बन्ने के पैर हाथ में सब जगह मालिश कर देती हैं। उसके बाद जो है 4 से 5 के बीच में एक बार दुल्हन नहा लेती है। अब फिर जो है शाम को जब बर का पानी आता है तो उसी से थोड़ा बाल पे मतलब सिर पे छिड़क दिया जाता है कपड़ा पहनने के पहले, और फिर उसके बाद पहना दिया जाता है, साड़ी वगैरह तैयारी होने लगती है। तो ऐसा ही रस्म है हमारे यहाँ, ये चलते हैं कोहबर में लिए चलते हैं। 5 पितरिया नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कथा पूजन से लेकर हल्दी रसम जो कि सिंपल तरीके से जो हमारे यहाँ पहले पंडित जी जैसे कराते थे उसी तरीके से हुआ है, और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ पेपर दिलवा के आने के बाद जो कि कथा मंत्री के पूजा के बाद ही चुमावन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेपर दे के जब आई हैं शिल्पा तो जाके 4 या 5 बजे के बीच में हुआ है हल्दी रसम। तो ये सारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर लावा देने के लिए आई हैं भुजैन, हमारे यहाँ बोलते हैं, तो लावा लिया जा रहा है मंडप में,
अब जो जैसे जिसके यहाँ जो रस्म हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ जब लावा लेके आती हैं तो वो जो है लिया जाता है, उनको नेक दिया जाता है, सब लोग गीत गाते हैं, नेछ वगैरह डालते हैं, मतलब हर चीज़ का परछावन होता है और सब चीज़ के लिए नेक दिया जाता है, चाहे वो कलशा हो, पीढ़ा, सुग्गा और लावा कुछ भी हो। तो कुछ इसी तरीके से होती हैं रस्में जो है, अब जिसका जैसा वो रहे। और मेरे यहाँ मायके या ससुराल या बहनों के यहाँ कुछ तो 19-20 फ़र्क है रस्मों में, बाकी के ऐसे ही होता है। और रात में लावा जब किसी के यहाँ रात में लिया जाता है, जब बारात आती है किसी के यहाँ ऐसे ही लिया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।